ओडिशा देखिब 8.5% अभिवृद्धि। दिनक तले केन्द्र सरकार अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट उपस्थापन करथिले। एथिरे भारतर विकास हार 6.5-7% रहिबाने आकलन करा जैतला। हेले ओडिशा सरकारकर सर्वे रिपोर्ट अनुसार राज्य अर्थनीति अधिक बेगरे आगेबो। 2022-23 रे राज्यर अभिवृद्धि 7.9% थिला रिपोर्ट कहुछि। शिल्प और सेवा क्षेत्र में उच्च अभिवृद्धि जो संभव हो राज्य अर्थनीति को शिल्प क्षेत्र अवदान सर्वाधिक 43.2% रोचे। यह पचक 36.4% हार में योगदान कर सेवा क्षेत्र। ओडिशा खाद्य शस्य उत्पादन बढ़ी 2022-23 141.4 लाख मेट्रिक टन खाद्य शस्य उत्पादन हो पूर्व वर्ष तुलन में 24.2% अधिक। किंतु चाषींकर आय वृद्धि पाई अमल और दक्षता वृद्धि आवश्यकता रही अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट रे सुपारिश करा जाय छे। सेहिपरी चाषींकर आय बढ़ेबा पाई अधिक धान जमी को अणधान फसल अधीन को आणिबा पाई कुहा जाउ छे। ओडिशा रे मुंडपिछा आय 161,437 टंका रे पहुंची छे। 2015-16 परठरो ओडिशा रो मुंडपिछा आय 12.1% बढ़ी छे। महिला साक्षरता क्षेत्र में उल्लेखनीय अग्रगति घटी। 2001-7 वर्षर अधिक महिला साक्षरता हार 50.5% थिला। 2022-23 को बढ़ी किंतु सर्वभारतीय महिला साक्षरता हार ठारूँ कम रोचे। आज विधानसभा अर्थ विभाग निज हाथ में रखि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट उपस्थापन करथिबा बळे आसंता काली बजेट उपस्थापन करिबे। सरकार तबे मासे हला आछंती तेनो अर्थनैतिक अभिवृद्धिर पूर्व सरकार नवीन मान्यवर नवीन पण सरकार ओडिशार अर्थनैतिक अभिवृद्धि पै जो पदक्षेप नैथिले एटे तार प्रतिफल। आपण देखंतु सिल पूर्व सरकार को वर्तमान सरकार धन्यवाद देवा दरकार। ओडिशावासी तो धन्यवाद दे बीजेपी 9 वर्ष बीजेडी सांगर थिला एकटा के कहू ना तब कहू ना बीजेडी 9 वर्ष थिला एमाने विकास कथा कहते ये खाली धुआ बाण खाली बास पट मारते सरकार वर्तमान सरकार कि गला सरकार उभय सरकार गोटे गोटे टंकार दुईट चिन्ह होकर रही।